मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आगे चलें। और एक अच्छी दवा है हमारे घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो है गाय का मूत्र। ये जो देशी गाय होती है, भारतीय गाय है, इसका आधा कप ताजा मूत्र रोज सुबह खाली पेट जो भी पी लेगा उसी का हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और देशी गाय के मूत्र से शुगर भी ठीक होती है, डायबिटीज भी ठीक होती है, मोटापा कम होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से एसिडिटी ठीक होती है, हाइपर एसिडिटी ठीक होती है, अल्सर ठीक होता है, पेप्टिक अल्सर ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से दमा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से ब्रोंकियल अस्थमा ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है, टीबी बहुत खतरनाक रोग है, ये ठीक हो जाता है। तो आप देशी गाय का मूत्र जरूर पी सकते हैं। ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस सब ठीक हो जाते हैं। अद्भुत औषधि है देशी गाय का मूत्र, तो आप उसे भी पी सकते हैं। आपके घर के आसपास जहां भी देशी गाय है आप ले सकते हैं। बस इसमें सावधानी रखनी है दो। पहली सावधानी है कि जिस गाय का मूत्र लेंगे वो देशी होनी चाहिए, जर्सी नहीं होनी। जर्सी, होलिस्ट्रियन, फ्रीजियन जो विदेशी गाय है उसका मूत्र कभी भी ना पिए। और दूसरी सावधानी कि गाय जब गर्भवती हो तब उसका मूत्र ना पिए। जब गाय गर्भावस्था में होती है ना, उस समय उसका मूत्र पीने लायक नहीं होता। इसका मतलब है गाय की जो बछड़ी है, कुमारी गाय, उसका मूत्र कभी भी पिए, वो सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देशी गाय का मूत्र है ना, ये कई बीमारियां जो ठीक करता है, इसमें से कुछ बीमारियों को याद रखें। ये जो कुमारी गाय, देशी गाय, बछड़ी का मूत्र एक एक बूंद अगर आंख में डाल दिया जाए ताजा, तो आंखों के सभी रोग ठीक करता है। आंखों में मोतियाबिंद है वो ठीक हो जाता है, आंखों में काला मोतिया है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रेटिनल डिटैचमेंट है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रात को दिखाई नहीं देता वो ठीक होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कई लोगों को आंखों से दिन में दिखाई नहीं देता, डे ब्लाइंडनेस, वो ठीक होती है। कई लोगों को रंगों का अंतर पता नहीं चलता आंखों में, वो बिल्कुल ठीक होता है गोमूत्र से। मैंने जो आंखों की बीमारियों के नाम लिए ना, इसमें सबसे खराब बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट, ये कहीं ठीक नहीं होती। अमेरिका भी चले जाओ तो बहुत मुश्किल होता है इसका ठीक होना, लेकिन ये गाय के मूत्र से बिल्कुल ठीक हो जाती है। और करना क्या है, कुमारी गाय का, बछड़ी गाय का एक एक बूंद मूत्र आंख में डालना ताजा सवेरे, और वो ड्रॉपर आता है ना उसकी मदद से डालना, बहुत अच्छा इलाज है। कान में अगर कोई बीमारी है आपके कान में, जैसे कान से सुनाई कम देता है, कान में हर समय आवाज आती है, हम ऐसे करके आवाज आती रहती है, या कान से मवाद निकलता है, गंदगी निकलती है, कान में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये सब बीमारियों के लिए गोमूत्र डालिए कान में, बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत तेज दर्द हो रहा है कान में तो एक बूंद गाय मूत्र डाल दीजिए, तुरंत दर्द बंद हो जाता है कान का, बहुत अच्छी दवा है ये कान की। सिर में दर्द है, माथा दर्द है, माइग्रेन है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। गाय घी को हल्का गर्म करके एक एक बूंद दोनों नाक में डाल के रात में सो जाइए, तो सिर दर्द सभी ठीक होगा, माथा दर्द सभी ठीक होगा। और ये गाय घी को अगर आप नाक में डालते हैं ना, तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जो लोगों को रात में नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी है, उन सबको बोलिए कि गाय घी नाक में डाल के सोएं। कई लोग ऐसे हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, संगीत निकालते हैं, और उनका संगीत विचित्र विचित्र तरह का होता है। जो सोते हैं ना वो तो मस्ती से सोते हैं, उनके पड़ोसी हमेशा परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी दवा है गाय घी।
गाय घी को हल्का गर्म करें, रात में एक एक बूंद नाक में डाल के सो जाएं, नाक से आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाता है। गाय घी और एक बीमारी में काम आता है, जब नाक में किसी को हर समय छींक आती रहती है, जुकाम होता रहता है, नाक से पानी आता रहता है, तो गाय घी बहुत अच्छी दवा है। हल्का गर्म करिए, नाक में डालिए, सो जाए। एक बहुत खराब बीमारी है साइनस, साइनोसाइटिस, उसकी भी दवा ये गाय घी ही है। साइनस ठीक हो जाता है गाय घी से। और एक खराब बीमारी है जिनको स्नोफीलिया ज्यादा है, माने सर्दी खांसी होती ही रहती है हर समय, तो वो गाय घी डालें, ठीक होता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। और गाय घी एक बहुत अच्छे काम में आता है, जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, और सिर में ब्रेन में कहीं खून जमा हो जाए थक्का, तो गाय घी उसको सबसे जल्दी निकालता है। गाय घी नाक में डालते रहिए, बहुत अच्छी दवा।